सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लेके आए हैं सर्दियों की खास पेशकश पराठे। हमने आलू के पराठे और मटर के पराठे दोनों ही पहले बनाए हैं, पर आज हम बनाने वाले हैं आलू और मटर के मिक्स पराठे। यहाँ मैंने ले लिया है करीब 2.5 कप आटा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लें। और मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून नमक, और इसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ताकि जब भी स्टफ पराठे बनाने हैं, सबसे पहले आटा लगा के रखें 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए। इससे आटा सेट हो जाता है और स्टफिंग भर के बेलना बहुत आसान हो जाता है, फटते नहीं हैं। दूसरा, ऑयल ज़रूर डालें। तो हमने डाल लिया इन दोनों चीज़ों को, अब कर लेते हैं इनको मिक्स। और इसी वजह से मैं भी आटा पहले लगा रही हूँ, स्टफिंग हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे सॉफ्ट डो बनाना है, टाइट नहीं बनाना आपको। तो लीजिए दोस्तों, आटा हमने लगाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे एक तरफ, और जब तक ये आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, फूल के अच्छे से सेट होगा, तब तक हम बना लेंगे अपना मिक्सचर, रेडी कर लेंगे स्टफिंग के लिए। तो दोस्तों, आलू मटर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो हमें चाहिए उबला आलू। तो यहाँ पर मैंने 5 करीब मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर, छील कर, और उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमको चाहिए हरे मटर के दाने। यहाँ पे ताजी हरी मटर मैंने छील के ली हुई है, और इसको अब हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप इनको डायरेक्टली थोड़ा सा मिक्सी में चला लें, दरदरा पीस लें, ऐसे भी मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इनको 10 मिनट के लिए पानी में ब्लांच करूँगी। नेक्स्ट हमको चाहिए थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी धो के बारीक काट के हम अपने मिक्सर में मिलाएंगे। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पे 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के ली हुई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमको कुछ मसाले चाहिए। तो उसमें मैंने लिया है स्वाद के हिसाब से नमक करीब 1 छोटी चम्मच लिया है, 1 छोटी चम्मच ही मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। दोनों चीज़ें आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ 1/2 छोटी चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको इन हरी मटर के दानों को ब्लांच करना है। तो यहाँ एक पैन में मैंने 1 ग्लास पानी डालकर और हरी मटर के दाने डालकर रख दिया है। तो करीब 10 मिनट के लिए हम ब्लांच करेंगे। इसमें हमारी मटर लगभग गल जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से गली या मैशी नहीं होगी, थोड़ा सा क्रंच भी इसमें बचा रहेगा। तो चलिए इसे ब्लांच कर लेते हैं पहले। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे मटर हमारी अच्छे से उबलने लगी है। बस 8 से 10 मिनट हमें इस तरह पानी में उबालना है। देखिए दोस्तों, करीब 8 मिनट ही इसको लगे हैं, और ब्लांच में लगभग सी बॉईल हो गई है, ऑलमोस्ट गल सी गई है, और मैंने इसको एक्स्ट्रा पानी में छान कर निकाल लिया है। अब बना लेते हैं स्टफिंग। तो सबसे पहले हम डाल देंगे अपनी ये ब्लांच की हुई मटर इसमें, इसके साथ ही डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, कद्दूकस करा हुआ अदरक, ये अगर बच्चों को ना पसंद हो तो अवॉइड भी किया जा सकता है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल रही हूँ नमक और मिर्च, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो इस तरह चम्मच से या हाथ से अगर आप मिला रहे हैं तो दबाते जाएं, जिससे मटर आपकी हल्की फुल्की मैश भी हो जाएगी, ताकि जो पराठे हैं वो भरते वक्त हमारे फटे नहीं। और इसीलिए हमने आटा पहले से लगाया है, तो पराठे बनाना आसान हो जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा गीला भी रखें इसका आटा, ज़्यादा मुलायम रखें मतलब, ताकि बेलते वक्त आपके पराठे फटे ना ज़्यादा। तो देखिए हमारी स्टफिंग जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा भी हमारा इतनी देर में सेट हो चुका है, इसको देख लेते हैं। और इस टाइम हथेली पे हम इस तरह से थोड़ा सा 2-4 बूंद ऑयल लगा लेंगे, आटे के ऊपर लगाएंगे, और इसको मसल कर एक बार चिकना कर लेंगे डो को। इससे डो बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से मसल लें इस टाइम पर। तो डो दोस्तों हमारा एकदम चिकना और बढ़िया रेडी हो गया है। चलिए पराठे बनना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोई ले लेंगे, इस पर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, और अब इस पर रखेंगे स्टफिंग। इसके बाद लोई को हम उठाएंगे और इस तरह प्लेट्स बनाते हुए, और मसाले को उंगली से नीचे दबाते जाएँ और बंद कर लेंगे, जैसे कि हम आलू की कचौड़ी वगैरह बनाते हैं। और लास्ट में आप इसको मोड़ दें इस तरह से, जिससे अच्छे से सील हो जाएगा और एक्स्ट्रा आटा आपका हट जाएगा। अब एक बार हाथों के बीच गोल कर लें और दबा लीजिए, तो ये आपकी बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएगी। अब इसको एक बार सूखे आटे में लगाकर और हम हल्के हाथ से पराठा बेल लेंगे। इस पराठे में मटर के दाने हैं, तो वो थोड़ा सा बाहर ज़रूर दिखेंगे, और थोड़ा सा वो जो बाहर आ जाएंगे ऊपर की लेयर पर, उससे वो सिकने के बाद बहुत टेस्टी भी लगेंगे।
तो आप उनकी बिल्कुल टेंशन ना लें और आराम से इसको बेल लें। तो यहाँ पे हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। जिन लोगों को पराठा बनाना नहीं आता है वो और दो तरीके से इजीली पराठा बना सकते हैं भर के, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किन ट्रिक्स से आप पराठा बना सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस पराठे को सेक लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक नॉन स्टिक तवा रख लिया है यहाँ पे, उसको गर्म कर लिया है। थोड़ा सा इस पर घी डाल देंगे और अब ये पराठा डाल देंगे जो हमने बेल के रखा है, और जो उसकी पतली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखी हुई है। तो पराठा जब थोड़ी देर बाद एक तरह से सिक जाए तो उसको पलट लीजिए। अब हम इस पर अच्छे से घी लगाएंगे और थोड़ी देर इसको नीचे की साइड से भी सिकने देंगे, और उसके बाद पराठे को पलटेंगे। तो पराठे को पलट लीजिए और दूसरी साइड में अच्छे से घी लगाकर पराठे को करारा होने तक सेक लेंगे। मेरी बाकी सभी पराठा रेसिपीज को देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो देखिए पराठे को हमने दोनों तरफ से अच्छा करारा सेक लिया है, और अब इस पराठे को आप उतारिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म आलू मटर का पराठा फटाफट से तैयार है। इसको यहाँ पे मैंने हरे धनिया की चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप जैसे चाहे इसको सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।